का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं, एक बहुत बड़ी दुखद घटना कश्मीर घाटी के अंदर घटी है। कश्मीरी पंडित समाज से संबंध रखने वाले एक होनहार नौजवान श्रीमान राहुल भट्ट जी की जिस प्रकार निर्मम हत्या की गई है, ये इंसानियत को दागदार करने वाली घटना है, मानवता को कलंकित किया है। इस घटना ने श्री राहुल भट्ट साहब, जो कश्मीर घाटी के चाड़ूरा में अपनी सेवाएं दे रहे थे, बहुत ईमानदारी के साथ वहां के लोगों की खिदमत कर रहे थे, एक बेगुनाह, एक निहत्थे, एक शरीफ नौजवान को जिस प्रकार पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने निशाना बनाया, श्री राहुल भट्ट साहब का जिस बेरहमी के साथ कश्मीर में कत्ल किया गया, ये बहुत ही निंदनीय है, ये असहनीय है, ये बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा गुनाह, एक जघन्य अपराध पाकिस्तान के इन कायर दहशतगर्दों ने किया है। इस घटनाक्रम के बाद शाम को एक कश्मीरी मुस्लिम जो नौजवान पुलिस के अंदर एसपीओ था, उनको निशाना बनाया गया, कश्मीर घाटी को लहूलुहान किया गया, कश्मीर घाटी को बर्बाद करने की साजिश और चालें ये जो पाकिस्तान चल रहा है, ये नाकाबले बर्दाश्त है। साथियों, इस सारे घटनाक्रम के बाद कश्मीरी पंडित समाज के हमारे नौजवान, जो हमारे भाई बहन, जो कश्मीर के अंदर पीएम पैकेज के तहत वहां काम कर रहे हैं, जो पीएम पैकेज में कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में, दूर दराज के एरिया में, रूरल एरियाज में वहां अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, उनके अंदर डर और खौफ का बहुत बड़ा माहौल है। कश्मीरी पंडित समाज से बहुत सारे प्रतिनिधिमंडलों ने, उनके बड़े बड़े सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के नेताओं ने, कल उनसे मेरी मुलाकात हुई, सभी लोग खौफजदा, सबके मन में डर है, भय है। जिस प्रकार से टारगेटेड किलिंग्स कश्मीर घाटी के अंदर करने के जो साक्ष्य हो रही हैं, इनका हर स्तर के ऊपर मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारी इंडियन आर्मी, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान लगातार इन पाकिस्तान के कायर आतंकवादियों की कमर तोड़ रहे हैं। आतंकवादी संगठनों के खूंखार दुर्रांत आतंकवादियों को हमारी सेना, हमारी पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस ने पहले ही चुन चुन कर मौत के घाट उतारा। और ये जो बचे खुचे कश्मीर के अंदर आतंकवादी दहशतगर्द हैं, जो कश्मीर को लहूलुहान करने की साजिशें और कोशिशें कर रहे हैं, ये भी नहीं बचेंगे। इस सारे माहौल के बाद कश्मीरी पंडित जो नौजवान कश्मीर घाटी के अंदर, जो पीएम पैकेज के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनके अंदर भी डर और खौफ का माहौल है। उन्होंने भी एहतजाज किया, उन्होंने भी अपनी मांगों को उठाया और वो जायज मांगे हैं। मैंने इस सारे घटनाक्रम पर जम्मू कश्मीर के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा साहब से बातचीत की और वो सारे कंसर्न जो कश्मीरी पंडित समाज के वरिष्ठ, उनके जो अलग अलग धार्मिक राजनीतिक संस्थाओं के
सामाजिक संस्थाओं के जो अध्यक्ष हैं उनसे मैंने बात की, और जो जो विषय मेरे संज्ञान में लाए गए हैं, मेरे नोटिस में जो चीजें लाई हैं, उसके लिए मैंने जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा साहब से बात की है। रविवार 15 मई को मेरी मुलाकात जम्मू कश्मीर के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा साहब के साथ श्रीनगर राजभवन में होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी का एक डेलीगेशन रविवार 15 मई को श्रीनगर के राजभवन में माननीय उपराज्यपाल महोदय श्रीमान मनोज सिन्हा साहब से हम मुलाकात करने जा रहे हैं, और श्रीमान मनोज सिन्हा साहब से हम वो सारे विषय उनके साथ चर्चा में लाएंगे जो विषय कश्मीर घाटी के अंदर वहां के रहने वाले अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज कश्मीरी पंडित हैं या कश्मीर के अंदर रहने वाले सिख हैं, पहाड़ी कबीले के लोग हैं या गुजर बकरवाल हैं, उन सभी लोगों के विषयों को हम माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा साहब के सामने रखेंगे, और कश्मीरी पंडितों के संदर्भ में विशेषकर जो हमारे नौजवान भाई बहन जो कश्मीर के अंदर इस वक्त अपनी सेवाएं दे रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जिनकी अपॉइंटमेंट पीएम पैकेज के तहत हुई है, उनके भी बहुत सारे कंसर्न हैं, उनकी चिंताएं हैं, उनके सारे विषय, उनकी चिंताएं, उनका उनकी समस्याओं का समाधान हो, ये सारे विषय हम 15 मई रविवार के दिन श्रीनगर राजभवन में माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के सामने सारे विषय रखेंगे। यहां सुरक्षा की दृष्टि से कदम उठाने की जरूरत है, वहीं कश्मीरी पंडित समाज के जो हमारे नौजवान पीएम पैकेज में लगे हैं उनसे बातचीत करने की जरूरत है, उनके कैंपों में जाकर बैठने की जरूरत है, वहां कोई टीयर गैस या लाठी चार्ज बिल्कुल अनावश्यक है, उनके साथ बात करनी है, उनके कंसर्न है। जिन लोगों ने अपना भाई अपना बेटा खोया है उनको तकलीफ है, वो गुस्से में हैं, वो गमजदा हैं, उनकी चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, उनकी चिंताओं का और परेशानियों का हम सबको हल निकालना है। कश्मीरी पंडित समाज हो या कश्मीर के अंदर रहने वाले जो हुब्बुल वतनी के जज्बे से काम करने वाले हमारे वहां के मुसलमान लोग हो, जो देशभक्त हैं, जो हमेशा देश का तिरंगा झंडा बुलंद करते हैं, इन सब की चिंताओं का, इनके कंसर्न्स, इनकी परेशानियां, इनकी तकलीफों को दूर करने की जिम्मेवारी हमारी है, और इसीलिए मैं अपने सीनियर लीडरों के साथ 15 मई रविवार के दिन सुबह 10 बजे जम्मू कश्मीर के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिल रहा हूं। कल मेरी डिटेल में माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह साहब के साथ भी चर्चा हुई, माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब को भी मैंने डिटेल में कश्मीरी पंडित कश्मीरी हिंदू समाज के जो हमारे भाई बहन हैं उनके जो कंसर्न्स हैं उनकी जो चिंताएं हैं उनसे मैंने माननीय गृह मंत्री जी को भी अवगत कराया है, और 15 मई रविवार के दिन व्यक्तिगत जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मुलाकात करके ये सारे विषय हम माननीय उपराज्यपाल महोदय जी के समकक्ष रखेंगे ताकि इन समस्याओं का समाधान हो। यह दहशतगर्दी समाप्त होनी चाहिए, यह दहशतगर्द कश्मीर के लोगों के कातिल हैं। कश्मीर के अंदर रहने वाला वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, गुजर बकरवाल हो या पहाड़ी हो, या कश्मीर के अंदर रहने वाले जो हमारे कश्मीरी मुसलमान भाई बहन हैं जो हुब्बुल वतनी के जज्बे से भरे हैं, जो मुल्क की सलामती के लिए और तिरंगे झंडे के लिए काम करते हैं, उनकी हिफाजत करना, उनकी चिंता करना, उनकी देखभाल करना, उनकी संभाल करना हम सबका काम है, सरकारों का काम है। इसलिए मैं व्यक्तिगत अपने तमाम सीनियर लीडर्स के साथ कल 15 मई को जनाबे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिलकर इन सभी विषयों पर पूरी गंभीरता के साथ हम बात करेंगे,
और सभी विषयों का समाधान हो, इसका हम पूर्ण प्रयास करेंगे और समाधान करवाएंगे।